मौजूद हैं एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एस के मंडल जी, अगर वो जानते हैं अभी छात्रवृत्ति योजना इन्होंने शुरू की है उसके बारे में, उससे छात्रों को क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं और वो छात्रों के लिए आगे के भविष्य के लिए कितना बड़ा सपोर्ट साबित होगा। सबसे पहले तो आपको स्वागत है, क्या है आपकी योजना है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मैं आगे बात करने जाता हूँ। ये एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत राज्य में 6 जगहों पर पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी के क्षेत्र में संस्थान का संचालन कराया जा रहा है। सत्र 2022 में नामांकन के लिए हमने एक प्लान योजना बनाई थी कि शिक्षा जो है, शिक्षा कहीं पर भी अगर शिक्षा का माहौल होता है, शिक्षा हम देने के लिए जा रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ इसको लाना चाहिए। ये जो एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में 6 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, उसमें अधिक से 4 संस्थान पैरामेडिकल के, एक नर्सिंग के, एक फार्मेसी के हैं। इसमें 2022 में नामांकन लेने के लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। इसमें छात्रवृत्ति का जो ये मामला है, सभी संस्थानों में जितने भी कोर्सेज की पढ़ाई होती है उसमें जो इस प्रवेश परीक्षा में जो टॉप करेंगे, जो पहला रैंकर होंगे, काउंसलिंग के दिन उन बच्चे का नामांकन संस्थान का जो भी शुल्क है वो पूरे शुल्क उनको छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। तो ये छात्रवृत्ति में लगभग सेकेंड पोजिशन पर जो रहेंगे, पहला तो पूरा फीस हम उनको देने जा रहे हैं छात्रवृत्ति में, और द्वितीय पोजिशन पर जो बच्चे रहेंगे उनके आधे शुल्क रूप में हम लोग छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। इस तरह लगभग पूरे जो सरकार के द्वारा जो मेरे 6 संस्थानों में लगभग 2800 सीट पर नामांकन के लिए मान्यता दी गई है, उन 2800 सीट में 100 सीटों पर नामांकन ऐसे बच्चों का होगा जो टॉप करेंगे या दूसरी पोजीशन पर रहेंगे तो उनको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो लगभग 100 बच्चे छात्रवृत्ति के लाभ में, छात्रवृत्ति में जो प्रवेश परीक्षा में छात्रवृत्ति दी जाएगी संस्था के द्वारा, उसको लाभ मिलेगा। दूसरा, जो भी हमारा संस्थान है, हमारे संस्था के अंतर्गत जो भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है, ये सभी कोर्सेज जो है मुख्य रूप से व्यावसायिक कोर्स है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में जो जितना कंप्यूटर का पढ़ाई कई ड्रेसर होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपी होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, ANM होता है, ये सभी कोर्सेज जो है पूरी तरह व्यावसायिक कोर्स है। ये व्यावसायिक कोर्स में जब बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उनको रोजगार के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे संस्था के द्वारा भी बार बार कही जा रही है कि आप लगातार